वेलकम टू वी लर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क। दिस इज सेशन नंबर 4 ऑफ कंपनी लॉ एंड द टॉपिक इज प्रमोटर्स। टॉपिक्स टू बी कवर्ड आर प्रमोटर, इट्स मीनिंग, फंक्शन ऑफ अ प्रमोटर, लीगल पोजिशन ऑफ प्रमोटर्स, ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर, लाइबिलिटीज ऑफ प्रमोटर्स, रिमुनरेशन ऑफ प्रमोटर्स in position of preliminary contracts. Now come to the meaning of promoters. The idea of carrying on a business is conceived by a person or a group of persons called promoters. Jo person idea carry karta hai business ka, use hum promoter kehte hain. Agar business ka idea ek person carry kar raha hai to use hum promoter kahenge. Agar group of persons carry kar rahe hain to use promoters kehte hain. अ कंपनी इज़ बॉर्न ओनली वेन इट इज़ ड्यूली इनकॉर्पोरेटेड। कंपनी तभी बॉर्न हो सकती है जब वो ड्यूली इनकॉर्पोरेटेड हो। फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी वेरियस डॉक्यूमेंट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड एंड अदर फॉर्मेलिटीज आर टू बी कंपाइल्ड विद। इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे कंपनी को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं और साथ ही साथ और भी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, और ये सारी फॉर्मेलिटीज़ कौन करता है? प्रमोटर। फंक्शंस ऑफ प्रमोटर्स, फर्स्ट वन इज़ टू ओरिजिनेट द स्कीम फॉर फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। प्रमोटर्स आर जनरली द फर्स्ट पर्सन हु कंसीव द आइडिया ऑफ बिजनेस। प्रमोटर्स पहला पर्सन होता है जो बिजनेस का आइडिया कंसीव करता है। दे कैरी आउट द नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड आउट वेदर द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज पॉसिबल एंड प्रॉफिटेबल। वही प्रमोटर ही एक ऐसा पर्सन होता है जो इन्वेस्टिगेट करता है फर्दर कि आप जो उसके माइंड में आइडिया है या जो कंपनी बनाना चाहता है वो पॉसिबल है या नहीं, उससे उसको प्रॉफिट मिलेगा या नहीं। सेकंड, टू सिक्योर द कॉपरेशन ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पर्सन विलिंग टू एसोसिएट देमसेल्फ विद द प्रोजेक्ट। देन प्रमोटर क्या करता है, सारे लोगों को इकट्ठा करता है जो अपनी मर्जी से आपके प्रोजेक्ट में आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। थर्ड, टू सीक एंड ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द पर्संस विलिंग टू एक्ट एज फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। इट मींस आपकी कंपनी का जो भी फर्स्ट डायरेक्टर होगा वो अपॉइंट किया जाएगा प्रमोटर के द्वारा। दैट इज़ द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी आर जनरली अपॉइंटेड बाय द प्रमोटर्स। To settle about the name of the company, the promoter have to seek the permission of the registrar of the companies for selecting the name of the company. जो promoter होता है उसे permission लेनी पड़ती है registrar of the company से, किसमें कि वो अपनी company का जो नाम select करना चाहते हैं वो उसको मिल सकता है या नहीं मिल सकता, क्योंकि अगर same नाम किसी और company का होगा तो वो आपको नहीं मिलेगा। To get the documents of the proposed company prepared, आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं रिगार्डिंग द कंपनी, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सारे आपको रजिस्ट्रार को देने पड़ते हैं। तो ये सारे कौन तैयार करता है? प्रमोटर। टू अपॉइंट बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड लीगल एडवाइजर्स ऑफ द कंपनी। बेसिकली जब इनकॉर्पोरेशन का टाइम आता है तो कंपनी को बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं। प्रमोटर को भी काफ़ी सारे लीगल एक्सपर्ट से कंसर्न करना पड़ता है, कंसल्ट करना पड़ता है कि जो वो कर रहा है सही कर रहा है नहीं कर रहा, तो उसी के बेसिस पे उसको बैंकर, ब्रोकर और लीगल एडवाइज़र्स हायर करने पड़ते हैं। नेक्स्ट, टू सेटल प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ असेट्स। असेट्स को एक्वायर करने के लिए प्रमोटर को ही एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है, जो सबसे पहला एग्रीमेंट होता है एक्विजिशन का। टू एंटर इनटू प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स विद द वेंडर, ये प्रमोटर का ही काम होता है कि वो वेंडर से कॉन्टैक्ट बनाए, उसके साथ जितनी भी प्रिलिमिनरी डिटेल्स वगैरह चाहिए या जो भी फर्स्ट इनिशियल स्टेप्स होते हैं वो प्रमोटर ही करता है। To arrange for filling the necessary documents with the registrar, the promoters are required to pay the stamp duty,
filling fee and other charges for the registration of the company. जो प्रमोटर होता है उसे पे करना पड़ता है जितने भी डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी होते हैं कंपनी के लिए, उनके लिए रजिस्ट्रार को, और साथ ही साथ प्रमोटर को ये भी देखना पड़ता है कि उसने जो जो फॉर्मेलिटीज़ करी हैं कंपनी की वो सारी सही करी हैं या गलत करी हैं, या अदर और कोई फॉर्मेलिटीज़ हैं तो वो भी साथ ही साथ कर देते हैं. नाउ कम टू द लीगल पोजीशन ऑफ द प्रमोटर. द लीगल पोजीशन ऑफ अ प्रमोटर्स इज लाइक पेक्यूलियर. द प्रमोटर्स लीगल पोजीशन इज दैट ही इज नाइदर एन एजेंट नॉर अ ट्रस्टी. जो प्रमोटर होता है वो ना तो एजेंट होता है ना ट्रस्टी होता है कंपनी का. ही प्रमोट्स एंड ही इज नॉट एन एजेंट बिकॉज देयर इज नो प्रिंसिपल इन एग्जिस्टेंस. इट डज नॉट मीन दैट प्रमोटर डू नॉट हैव एनी लीगल रिलेशनशिप विद द प्रपोज्ड कंपनी. इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्रमोटर है उसका कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं है कंपनी से. नाउ कम टू द ड्यूटीज ऑफ द प्रमोटर. प्रमोटर की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं. फर्स्ट, नॉट टू मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट. ये प्रमोटर की ड्यूटी होती है कि कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट वो अपने पास नहीं रख सकता. अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसे डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा. सेकेंड, टू मेक फुल डिस्क्लोजर टू द कंपनी ऑफ ऑल रेलिवेंट फैक्ट्स. जो भी फैक्ट्स हैं रिगार्डिंग द कंपनी वो प्रमोटर को डिस्क्लोज करने पड़ेंगे सबके सामने, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो वो उसके लिए नेसेसरी स्टेप्स ले सके. टू गिव द बेनिफिट ऑफ नेगोसिएशंस टू द कंपनी. अगर कोई भी नेगोसिएशन किया है तो उसका बेनिफिट कंपनी को दिया जाए. ड्यूटी ऑफ प्रमोटर्स टूवर्ड्स द फ्यूचर अलॉटीज. फ्यूचर अलॉटीज वो होते हैं जिन्हें कंपनी इन फ्यूचर में शेयर्स अलॉट करती है, उनके लिए भी प्रमोटर की कुछ ड्यूटीज होती हैं. नाउ लाइबिलिटीज ऑफ द प्रमोटर्स. प्रमोटर्स की क्या क्या लाइबिलिटीज होती हैं. फर्स्ट आता है सेक्शन 56, जो एक्सप्लेन करता है that the matter should be stated and the report that should be set out in the prospectus. Section 62 discusses the civil liabilities of many misstatements made in the prospectus. Section 63 discusses the criminal liabilities for issuing a prospectus which contain untrue statements. Section 478 states the power of the court in order to public examination of all the promoters held guilty of fraud in promotion or formation of a company. Section 203 provides that the court may suspend a promoter from taking part in management of the company. The promoters are personally liable for pre-incorporation contracts. Now, remuneration of promoters. He may be allowed to sell his own property to the company for cash at price higher than the valuation. Promoter ko allow hota hai ki wo apni property ko sell kar sake company ko jitne uski value lagi hai usse zyada price mein, after he had made a full disclosure about the valuation. वैल्यूएशन का फुल डिस्क्लोजर करने के बाद एंड द प्रॉफिट अर्न टू एन इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. इफ द प्रमोटर हैज़ परचेज सम बिजनेस और सम अदर प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड टू द कंपनी ही मे सेल द सेम टू द कंपनी एट अ हायर प्राइस. आफ्टर मेकिंग अ फुल डिस्क्लोजर ऑफ द प्राइज पेड एंड द प्रॉफिट अर्न. The company may allot to the promoters fully paid up shares of the company. Company allot करती है, कर सकती है promoters को shares जो कि fully paid होते हैं. He may be paid a certain lump sum by the company as a remuneration for services rendered. जो promoter है वो pay कर सकता है lump sum remuneration company को जो उसने services ली हैं. He may be given a commission at a fixed rate on the shares sold.
द कंपनी मे गिव हिम एन ऑप्शन टू सब्सक्राइब फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ द कंपनीज अन इशूड शेयर एट पार. दिस ऑप्शन इज जनरली लिमिटेड टू अ सर्टेन पीरियड विच मीन्स दैट द प्रमोटर मस्ट सब्सक्राइब टू द शेयर्स विद इन अ सर्टेन टाइम. नाउ पोजिशन ऑफ प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स. फर्स्ट है ऑन रजिस्ट्रेशन द कंपनी इज नॉट बाउंड बाय द प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स. अ कंपनी इज नॉट बाउंड बाय द प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स इवन इफ द कंपनी हैज टेकन द बेनिफिट ऑफ द वर्क ऑन इट्स बिहाफ अंडर द कॉन्ट्रैक्ट. सेकेंड, द कंपनी कैन नॉट एनफोर्स प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स. According to this point, the company cannot be held liable for the preliminary contracts. It also cannot enforce such contracts made before incorporation by the promoters. This means that on account of preliminary contract, the company does not get a right to sue the third party for fulfillment of the contract. Third, the company cannot ratify the preliminary contract. After incorporation, company cannot ratify the contracts formed before its existence. Liability of the promoter for preliminary contracts. The promoters are personally liable for contracts made for a company which is not yet in existence. Now there are some questions on the basis of session. First is, who is promoter? Promoter kaun hota hai? Second, list three important duties of promoter. Promoter ki koi bhi teen duties bataiye. Give three ways in which promoter can be remunerated. Teen way bataiye jisme promoter remunerate kar sakta hai. Thank you. Happy learning, we learning.